गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ क्लास फॉर क्लास सेवेंथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 36, जिसमें आप लोगों का चैप्टर 6 दिया हुआ है, द महात्माज मार्कशीट. ठीक है, महात्मा गांधी सबने सुना है नाम. ठीक है, तो उनके बारे में ये चैप्टर है. दिस चैप्टर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ महात्मा गांधी कंटेन हिज स्टूडेंट्स लाइफ. ठीक है, इस चैप्टर में महात्मा गांधी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे उस टाइम के बारे में ये स्टोरी दी गई है. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th century, बट वॉट काइंड ऑफ स्टूडेंट हैड ही बीन. वो कहते हैं कि 20th century में महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले, लोगों पे अपना असर करने वाले इंसान थे. लेकिन जब वो स्टूडेंट थे तब वो कहते थे, आवर क्यूरियोसिटी इन हिज इन दिस रिकार्ड इज़ अंडरस्टेबल एंड द आंसर कैन बी फाउंड इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ. वो कहते हैं कि हमारी ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जाने की जो इच्छा है, ठीक है, वो लोग शायद उन्होंने समझा था और इसी का आंसर जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा है. एंड सम केयरफुली प्रिजर्व रिकॉर्ड ऑफ वन ऑफ द स्कूल इन विच ही स्टडीड. और कुछ जो स्कूल से जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी वहाँ की कुछ जो स्टोरीज़ हैं वो भी उन्होंने वहाँ पर लिख के रखा हुआ है. गांधी हैड चेंज्ड मेनी स्कूल बिफोर द एज ऑफ 10. 10 ईयर के एज के पहले उन्होंने बहुत सारे स्कूल जो हैं वो चेंज किए, बट स्पेंट 7 years इन अ हाई स्कूल इन राजकोट. लेकिन उन्होंने 7 years जो है अपने राजकोट के स्कूल में बिताया है. ही टेल्स अस दैट ही वॉज सर्टेनली नॉट रिगार्डेड एज डंस. वो कहते हैं कि वो डंस, मतलब ठीक है, वो खुद को कहते हैं कि मैं बिल्कुल डंस, मतलब ऐसे है कि जो बहुत धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, जिसको सीखने में टाइम लगता है. ठीक है, तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी डंस जैसा नहीं हूँ. ठीक है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करता हूँ. फिर वो कहते हैं कि उनके जो स्कूल के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं या कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं वो कभी भी उसमें कुछ ख़राब नहीं लिखा है. ठीक है, ही इवन वोन प्राइजेस एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप इन क्लास 4 and 5. उन्होंने कहा कि जब मैं 4-5 में था तो स्कैंड में मुझे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं. एंड येट ही से विद कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडेस्टी दैट वॉज ओनली ड्यू टू लक एंड नॉट टू मेरिट. लेकिन उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, विद कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो नेचर था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये सारे जितने मुझे प्राइजेस मिले हैं वो मुझे लक से मिले हैं, मेरे मतलब जो भी पढ़ाई मैंने की थी या किसी चीज़ में मुझे नहीं मिला, वो मुझे भाग्य से मिल गया. इन द लेटर ईयर्स, के बाद कुछ सालों में, हाउएवर हिज अटेंडेंस बिकेम लैक्स अ मेयर 110 days आउट ऑफ 238 days इन स्टैंडर्ड थर्ड. स्टैंडर्ड थर्ड में 238 में से उन्होंने खाली 110 days ही जो है वहाँ पे स्कूल में अटेंडेंस उनका लगा था. हिज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन नॉर्मली एवरेज बिटवीन 45% to 55%. उनके जो मार्क्स थे वो एवरेज थे, 45% से 55% के बीच में आते थे. ही वॉज इवन मेड टू रिपीट अ ईयर. इस तरह से उन्होंने एक साल ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने एक ही क्लास को 2 बार पढ़ा था, मतलब एक ही ईयर उन्होंने रिपीट किया था. पार्शली ड्यू टू द पुअर अटेंडेंस बिकॉज ही हैड टू अटेंड. मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनको उनके अटेंडेंस काफ़ी कम थे और इस वजह से उनको एक क्लास दोबारा पढ़ना पड़ा था. और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उनके घर में क्या थे, उनके जो सिख हैं, मतलब बीमार पिता रहते थे, फादर होते थे, और उनकी अभी न्यूली जो है शादी हुई थी. He then became a serious student. उसके बाद वो serious student बन जाते हैं और उन्हें overall score जो है कितना मिलता है, 66.5% उनको मिलता है. He could no longer called be a mediocre student. अब उन्हें लोग जो है average, mediocre मतलब average student नहीं बोलते हैं. The matriculation exam saw him score the 404th rank out of the 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. हियर्स मार्कशीट रीड. ठीक है, वो कहते हैं कि जो मैट्रिक्स के, मतलब 10th के जो रिजल्ट है उसमें उनको 404 रैंक मिलते हैं. मतलब जहाँ पे 800 स्टूडेंट्स थे, 799 स्टूडेंट्स थे, उसमें से उन्हें 404th रैंक मिला था. उनकी जो मार्कशीट थी वो कुछ इस तरह से थी. इंग्लिश में उन्हें 200 में से 89 मिला था, 100 में से 46 मिला था, मैथमेटिक्स में 175 में से 60 मिला था, 59 मिला था, जनरल नॉलेज में 150 में से 54 मिला था. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये
मतलब उस टाइम के लिए ये सारी चीज़ें इनफ थी, मतलब बहुत थी, मतलब इतना नंबर मिल गया था तो इतना ही काफ़ी था। तो उन्होंने कहा सो मच फॉर माई एकेडमिक रिवॉर्ड, ये जो नंबर्स थे वो मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए काफ़ी थे। बट डिड ही कोप इक्वल वेल विद ऑल द सब्जेक्ट ही हैड टू स्टडी, लेकिन क्या और भी जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने उतना ही उनको नंबर मिला था। इन हिज ओन वर्स इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड। वो बोलते हैं कि फोर्थ स्टैंडर्ड से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सबका मीडियम क्या है, इंग्लिश है, मतलब सारी चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली ऐसी, मुझे ऐसा लगता है वो इंग्लिश पढ़ के जैसा मैं क्या हूँ, समुद्र के बीच में खड़ा हूँ, मतलब आस पास से पानी पानी है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। ज्योमेट्री वॉज अ न्यू सब्जेक्ट इन विच आई वॉज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था, एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। और इंग्लिश मीडियम होने की वजह से मुझे और डिफिकल्टी इसमें हो रही थी और दिक्कतें आ रही थी। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल, जो टीचर थे वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बट आई कुड नॉट फॉलो, लेकिन मैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाता था। ऑफन आई वुड लूज हार्ट एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड। और लास्ट में क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था मैं हार मान जाऊँ और फिर से मैं क्लास थर्ड में चला जाऊँ। When, however, with much effort, I reached the 13th proposition of Euclid, the utter simplicity of subject was suddenly revealed to me. लेकिन जैसे ही मैं Euclid एक मैथमेटिशियन है उनके 13th proportion पर मैंने पहुँचा, तुरंत मुझे ऐसा लगा कि जैसे ज्योमेट्री बहुत आसान हो गई है मेरे लिए। A subject which only required a pure and simple use of one सिंपल यूज़ ऑफ वन रीजनिंग पावर कुड नॉट बी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ क्या हो सिंपल चीज़ें दी गई हैं और जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी सब्जेक्ट कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता। एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज़ बीन बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी। उसी वक्त से ज्योमेट्री मेरे लिए बहुत आसान भी हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उनको वो सॉल्व करने में ज्योमेट्री मैथ्स पढ़ने में उनको बहुत मज़ा भी आने लगा। संस्कृत प्रूव्ड अ हार्डर टास्क, संस्कृत उनको कहीं ना कहीं अजीब लगने लगा, एक हार्डर पार्ट लगने लगा, काफ़ी टफ उनको लगने लगा कि संस्कृत जो है काफ़ी टफ है। इन ज्योमेट्री देयर वॉज नथिंग टू मेमोराइज, ज्योमेट्री में कुछ भी याद करने को नहीं रहता था, सिर्फ उन्हें क्या करना रहता था, पढ़ना रहता था। वेयर एज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हर्ट, संस्कृत में मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ क्या है सिर्फ हर्ट से लर्न करना है, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, उनको वो टफ लगने लगा था। डिड द फ्रेल बट एगाइल गांधी इंजॉय फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट, मतलब जो कम मतलब दिखने में तो कमज़ोर लगते थे लेकिन वो काफ़ी मतलब फुर्तीले थे गांधी जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो दिखने में कमज़ोर थे फ्रेल बट एगाइल मतलब काफ़ी फुर्तीले जो गांधी जी थे, क्या वो फिजिकल एजुकेशन मतलब भाग दौड़ या खेल कूद में पार्टिसिपेट करना पसंद करते, क्या उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद थी। इन द हायर क्लासेज द हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल हैड मेड जिमनास्टिक क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़ बट ही डिसलाइक बोथ। हायर स्कूल में जो हेड मास्टर थे, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बॉयज़ के लिए जिमनास्टिक और क्रिकेट जो है वो कंपल्सरी कर दिया था, लेकिन गांधी जी को ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर देवर मेड कंपल्सरी, उन्होंने कभी भी एक्सरसाइज क्रिकेट या फुटबॉल में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था जब तक उसे कंपल्सरी नहीं बना दिया गया था। वो खुद ही बोलते हैं माई शाइनेस, मेरी जो शर्म करने की जो मतलब नहीं, उनको हर जगह जो मतलब लोगों से बात करने में शर्म आती थी, लोग से घुलना मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो मेरी जो शाइनेस थी वही एक रीज़न था कि मैं लोगों से थोड़ा सा दूर रहता था, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए था। Then I had the false notion that gymnast had nothing to do with education. उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ एक गलत धारणा थी कि जो जिमनास्टिक्स है उसका एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव अ मच प्लेस इन द सर्कुलम इन एज मेंटल ट्रेनिंग, वो कहते हैं कि लेकिन आज के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मेंटल पीस जो है वो चाहिए। मेंटल ट्रेनिंग के लिए, मेंटली शांत रहने के लिए आपको फिज़िकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनदर रिग्रेट दैट गांधी जी फेल्ट इन लेटर ईयर्स वॉज अबाउट द नेगलेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग, जो दूसरा उन्हें रिग्रेट था इस चीज़ का, उन्हें पछतावा था इस चीज़ का कि उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को बहुत नेगलेक्ट किया था, ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इतना तो चल जाता है, और इस तरह से वो हैंड राइटिंग अपनी ख़राब करती गए।
इवन अनटिल हिज डेज इन इंग्लैंड, यहाँ तक कि जब वो इंग्लैंड में थे उन्होंने थोड़ा बहुत अटेंशन अपने हैंड राइटिंग पे दिया था, बट लेटर, लेकिन बाद में जब वो साउथ अफ्रीका गए एंड सॉ द ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन बॉर्न एंड एजुकेटेड देयर, ही रिपेंटेड ऑफ हिज नेग्लेक्ट. लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ के जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, या वहाँ के जो यंग मैन थे, वहाँ पे लोगों के जब राइटिंग्स देखे उन्होंने और वहाँ के जो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स देखे, तो उन्हें अपने इस नेग्लेक्ट पे, जो वो मतलब उसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं हैंड राइटिंग को, तो उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा ही पछतावा हुआ कि मुझे अपनी राइटिंग सुधार लेनी चाहिए थी. टू कोट हिम, आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज द साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन. वो उन्होंने खुद से कहा, मतलब खुद के लिए उन्होंने एक लाइन कही थी कि एक बैड हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं ये साइन होती है, ये एक इशारा करती है कि वो इंसान जो है वो एक इम्परफेक्ट एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशनल तो है, मतलब उसमें शिक्षा तो है, शिक्षित तो है वो इंसान, लेकिन उतना परफेक्टली एजुकेशनल नहीं है. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड, मैंने बाद में बहुत कोशिश की कि मैं अपनी हैंड राइटिंग सुधार लूँ, बट इट वॉज टू लेट. लेकिन ये काफ़ी देर हो चुका था, मतलब काफ़ी दिन से वो एक ही हैंड राइटिंग लिखा जाता था, अब उनको आदत हो चुकी थी उसी हैंड राइटिंग में लिखने की, अब वो जो हैंड राइटिंग है वो नहीं बदल रही थी. आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ. अब मैं उस जो नेग्लेंसी था, मैंने अपनी हैंड राइटिंग को जो नेग्लेक्ट किया था अपने यूथ में, अपने बचपन में, उस चीज़ को मैं अब चेंज नहीं कर सकता था, मैं उसको रिपेयर, मैं फिर से उसको बना नहीं सकता था. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वॉर्न्ड बाय माई एग्जाम्पल. मैं चाहता हूँ कि हर इंसान, मतलब चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो उस चीज़ से जो है मेरे एग्जाम्पल से वो सीखे कि हैंड राइटिंग अच्छी होना जो है एक एजुकेशन का ही एक ज़रूरी पार्ट है. ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ एक अच्छी हैंड राइटिंग भी ज़रूर होनी चाहिए, वरना बाद में जब आप बड़े हो जाओगे और आप खुद की हैंड राइटिंग देखोगे तो आपको गांधी जी की तरह ही पछतावा होगा. और उस टाइम भी अगर आप चाहोगे कि आप अपनी राइटिंग सुधार लो तो आप नहीं सुधार पाओगे. तो इसीलिए आप लोग के पास भी अभी टाइम है, जिसकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, आप लोग बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखो, ताकि एक टाइम के बाद आपको क्या लगे कि हाँ चलो मैंने उस टाइम जो है अपनी हैंड राइटिंग जो है अपनी सुधार ली, तो अब तक मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. अदरवाइज़ क्या होगा, जिस तरह से गांधी जी जो है अपने आप को क्या कर रहे थे, कोस रहे थे कि काश मैं उस टाइम अपने हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दिया होता, उसी तरह आप लोग भी अपने आप को कोसोगे कि काश मैं पहले अपने हैंड राइटिंग को ध्यान दिया होता. अगेन, डिस्पाइट हिज रैदर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन, गांधी इज मिडिल क्लास स्कूल टीचर, मार्क इज कंडक्ट एज वेरी गुड. उनकी जो एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस थे वो अच्छे थे, मतलब नॉर्मल थे, लेकिन इसके बाद भी जो गांधी जी के जो टीचर है, स्कूल टीचर थे, उन्होंने उनको वेरी गुड जो है वो मार्क किया था. जैसे आपके रिजल्ट में लिखा रहता है ना एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, वैसे ही उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको वेरी गुड दिया था. द रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड ग्लिम्प ऑफ सम ऑफ द राइटिंग दैट गांधी डिड हिज इन इंग्लिश पेपर, परहैप्स एन एसे वाज रिटन इन अबाउट 40 लाइन्स ऑन द एडवांटेज ऑफ अ चीयरफुल डिपोजिशन, इंकरेज हिम टू बिकेम दैट रेयर पॉलिटिशियन हु वाज नेवर नोन टू हैव लॉस्ट हिज टेंपर. ठीक है, उन्होंने अपने इंग्लिश के पेपर में एक खुशमिजाज इंसान होने के क्या एडवांटेजेस हैं वो 40 लाइन्स में लिखे थे, जो उनको मतलब उनकी इसी सोच की वजह से वो एक ऐसे बाद में एक ऐसे पॉलिटिशियन बने, एक ऐसे नेता बने जो कभी भी गुस्सा नहीं करते, जो कभी भी अपना आपा नहीं खोते थे. ठीक है, फॉर 25 मार्क्स के लिए उनको एक ऐसा पोएम लिखने को कहा गया था जिसमें जीसस जो है किस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने जो पुअर लोग रहते थे, जो गरीब इंसान रहते थे, उनके सामने अपने आप को, खुद को जो है ओपन करके रखते थे, अपने बारे में बताते थे, उनके बारे में लिखने के लिए उनको एक पोएम दिया गया था. Might not this exercise have stoked an early awareness of exploitation and injustice, such as the record relating to a student who later exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teachers, lawyer, clerk and the like into nationalists with heroism and spirit of self-sacrifice. ठीक है, ऐसे जो records हैं, बाद में उन्होंने बहुत लोगों पर जो Indians हैं, जो teachers हैं, lawyers हैं, clerk हैं, या जो nationalists जो देश के प्रति मतलब बहुत जागरूक रहने वाले इंसान हैं, उन पर बहुत ज़्यादा effect उन्होंने किया, influence किया, उन पर असर किया. और उसके साथ साथ उन्होंने एक सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब खुद का बलिदान करने की भी जो स्पिरिट थी, जो एक करेज था, वो लोगों तक पहुँचाया. इट हैज़ बीन सेड दैट गांधी कुड फैशन हीरोज़ आउट ऑफ कॉमन क्ले. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मतलब वो जो कॉमन इंसान थे उनमें से एक जो है फैशन हीरो, मतलब उस तरह
उस टाइम में ऐसा उनके जैसा सोचने वाला कोई था नहीं, ठीक है। तो उन लोगों का कहना था कि जो कॉमन इंसान है उसी में से एक हीरो जो है लोगों के सामने आया है। फर्स्ट एंड अनडाउटेडली हिज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वॉज विथ हिमसेल्फ। उनका कहना था कि मेरा जो फर्स्ट और सबसे गंदा जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने खुद के साथ किया है, मतलब मैंने खुद को बहुत सुधारा। पहले वो बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, फिर कैसे उन्होंने अपने आप को सुधारा, कैसे कैसे जो है उन्होंने चीज़ों को बाद में रिग्रेट करना स्टार्ट किया किन चीज़ों को लेकर, तो इनके बारे में ये चैप्टर जो है यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। ये लिखा किसने है, रामचंद गुहा ने, मतलब कहीं से उन्होंने भी अडाप्ट किया है कुछ चीज़ें जो उन्होंने जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उसमें से लिया है, ठीक है। तो और कुछ जो इनके जो चैप्टर जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने खुद से लिखे थे, ठीक है। तो इस यहीं पर आपका चैप्टर ओवर होता है, इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा। वर्ड मीनिंग आपको खुद से लिखना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग जितने हैं आप लोग को अपनी कॉपी में उतारना है, बाकी का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस जो है वो आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।